हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो मेकअप लुक है अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने जो ये वाला कुर्ती वगैरह है वो मम्मी का था, मेरा नहीं था। लाइक बट मैंने जब वो पिक्चर देखा, आई थॉट कि हमारे पास भी ऐसा कुछ है, तो आई शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। सो दैट्स द रीजन आई हैव ट्राइड आउट एंड मुझे सिमिलर कुर्ती भी मिल गया। एंड तो ये वाला लुक भी इजीली हो गया है एंड आई होप आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने ये वाला लुक नहीं देखा है तो नीचे कमेंट में देख लेना, मैंने पिन किया है एंड उसके साथ साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब वीडियोज तो मैंने इस लुक के साथ बहुत सारी बना ली है एंड गाइस, बार बार चेंज करके या फिर मेकअप चेंज करके एक वीडियो बनाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो दैट्स द रीजन एक बार जब हम रेडी होते हैं तो एक बार में हम तीन चार वीडियो बना लेते हैं, ताकि वो जो भी हमें रिव्यू करना है या जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब इजीली हो जाए। बार बार हम नहीं कर सकते, दिस इज रियली इम्पॉसिबल यू नो टू गेट रेडी ऑल द टाइम। ठीक है, अब मेस में आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा मेस फैला हुआ है इतने सारे रिव्यू करने के बाद, वो देख लीजिए आप। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने मतलब एक एक मेकअप कर छोड़ दिया है और आप मेस देख सकते हो, ऐसा मेस हो जाता है इतने सारे मेकअप रिव्यूज करने के बाद। उसके बाद आपको मतलब क्लीन करना होता है इतनी सारी चीजों को एंड उसके बाद आपको अपना जो फेस में जो मेकअप लगाया है उसको भी क्लीन करना होता है। फिर जो भी आपके काम है पहले वो कीजिए, उसके बाद एडिटिंग का काम भी होता है। तो एक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। लेकिन अगर आप लोग उसमें उस वीडियो को लाइक दे दे या फिर सब्सक्राइब कर देते ना, तो बस हमारी जो भी मेहनत है, थकान है, वो सारी यू नो ऐसे मिट जाती है अगर हमें उस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिल जाता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब हम रेडी हो जाते हैं, आई मीन मेकअप उतार देते हैं हमारा एंड अपना स्किन केयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको अपना स्किन केयर की ओर लेकर चलती हूँ। जाऊंगी
एंड इस दौरान मैंने अपने चैनल में बहुत सारे रेसिपीज भी डाले हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा नीचे कमेंट में, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। एंड इस दौरान जो भी मैंने रेसिपी बनाई उसमें कोई भी गार्लिक या फिर ऑनियन नहीं है, बिकॉज आई एम ऑन अ फास्ट एंड उस टाइम में या फिर सावन के टाइम में वी डोंट हैव ऑनियन एट ऑल, दैट्स द रीजन आई एम नॉट पुटिंग ऑनियन। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको जो भी रेसिपी मिलेगी उसमें ऑनियंस भी होंगे, ठीक है। सो आई थिंक मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, थोड़ा सा आपको चाय का बता देती हूँ एंड पूरे दिन का ब्लॉग कर लेते हैं सोचा है मैंने, तो रात को सोने से पहले भी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी, तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। दिखाना तो बोलना, मैं दिखा देती हूँ। मेरा जो फेस है वो ड्राई हो चुका है अभी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको अपना फेस दिखा देती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ, मैंने टोनर वगैरह लगा लिया है, अब मैं लगा रही हूँ ये स्किन सेलेक्ट का टी ट्री ओवरनाइट मास्क, जिसको मैंने ऑलरेडी अपनी वन डे चैलेंज के वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं मैं आई बटन में जरूर डाल दूंगी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा डब्बा मैंने खत्म कर लिया है, इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, बिकॉज जो ठंडे पॉजिटिव है ना फेस में, इट्स रियली गुड, लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका ठंडक, एंड पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप देख सकते हो मेरे फेस में एक्टिव पिंपल नहीं है, स्पॉट्स है, डेफिनेटली स्पॉट्स है, एंड उसको हम क्योर कर रहे हैं विथ माई DIY फेस मास्क, जो कि हाँ थोड़ा स्लो रहेगा आपको, लेकिन डे बाई डे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो है परमानेंटली जा रहा है। हम जो बाहर के ड्रग स्टोर प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं उससे परमानेंट नहीं जाता, एक टाइम के लिए जाता है, वापस वो सीबम प्रोड्यूस होता है, वापस आ जाता है, लेकिन हमें उसको परमानेंटली गायब करना है, हमें उसको फॉर अ टाइम बीइंग हमको स्पॉट्स हटा कर कुछ अच्छा दिखना ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसे परमानेंटली गायब करना है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट्स है जो परमानेंटली धीरे धीरे जा रहे हैं, पहले यहाँ पे स्पॉट्स थे ये गए,
यहाँ पे पहुंचते ही ये गए। अभी यहाँ के बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, आई कैन फील इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो और भी जल्दी जाएगा, बट आई डू मेकअप वीडियोज एज वेल, तो उसके वजह से थोड़ा डिले होगा, बट स्पॉट्स अपने आप नहीं जा रहे, स्पॉट्स उस DIY मास्क के वजह से जा रहा है। और अगर आप लोग ने नहीं ट्राई किया है या देखा ही नहीं है DIY वीडियो कि आप स्पॉट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। और अगर आपने मेरे मेकअप के वीडियोज अभी तक नहीं देखे तो सारे मेकअप की वीडियोज मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो आप उसे जरूर देखेगा। आई होप एंड आई नो कि आप लोगों को वो वीडियोज अच्छे लगेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मास्क है मैंने लगा लिया है, जो स्किन है एकदम चिपचिपी नहीं है, ऑयली नहीं है, तो आई फील फाइन, गुड एंड एनफ। पर इसकी जो प्राइसिंग है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था पहले कि इसकी प्राइसिंग है 699 rupees, जो कि आई फील अ बिट कॉस्टलियर फॉर ऑल ऑफ देम टू बाय। सो यू कैन बेटर गो विद एलोवेरा जेल, एक्सेप्ट इट वर्क्स ग्रेट एज अ स्लीपिंग मास्क। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा और एडिटिंग का काम कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम थोड़ी और बातें करेंगे। ओके गाइज, गुड नाइट। मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं एंड कर रही हूँ, कल मैं नया वीडियो शूट करूंगी तो तब देख लेंगे। टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।